Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we are going to discuss about power calculation in polyphase system. So in one phase system, एक phase system के लिए we use one watt meter, single phase के लिए हम लोग एक watt meter का use करते थे, but number of phase एक से ज़्यादा है. ओके, अगर नंबर ऑफ फेज एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे n माइनस वन वैट मीटर का यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेस. ओके, अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेस हम लोग यहाँ पे n माइनस वन वैट मीटर का यूज़ करते हैं. सो फॉर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए हम लोग कितना वैट मीटर यूज़ करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए हम लोग n माइनस वन, n क्या है नंबर ऑफ फेज, सो थ्री माइनस वन दैट इज टू वैट मीटर का यूज़ करेंगे. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं. सपोज़ मेरे पास एक बैलेंस्ड लोड है Z और यहाँ पर जो फाई एंगल है दैट इज़ लैगिंग. ओके, लोड लैगिंग लोड है, बैलेंस है, सब जगह उतना ही रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम एंगल. तो अब हम कनेक्ट कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे करंट कॉइल का यूज़ करेंगे. ओके, एक दो फेज़ है तो किसी भी दो फेज़ को सिलेक्ट कर लेंगे. सपोज़ करो ये मेरा आर फेज़ है, ये मेरा बी फेज़ है और ये वाई है. ओके, तो कहीं भी दो फेज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों फेज़ में हम लोग सी टी लगाएंगे सीरीज़ में, सॉरी करंट कॉइल लगाएंगे सीरीज़ में. और दोनों कोई एक फेज़ को हम रेफरेंस मानेंगे और फिर दोनों के प्रेशर कॉइल को हम इससे कनेक्ट कर देंगे. ओके, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी आर, हम वाई में कनेक्ट किए हैं, वी आर वाई, आर और वाई के बीच में वोल्टेज जो है वी आर वाई लाइन वोल्टेज ये होगा और बी और वाई के बीच में वी बी वाई. तो देखो वैट मीटर क्या करता है, वैट मीटर जो करंट कॉइल में करंट आ रहा है, और पावर कैसे कैलकुलेट होता है, करंट कॉइल में जो करंट आ रहा है एंड प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज तुम्हारा शो हो रहा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन विथ पावर फैक्टर. तो ये तुम्हारा पहला वैट मीटर हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड वैट मीटर होगा डब्ल्यू टू. ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका फेजर डायग्राम. तो देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये तो लाइन वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरा लाइन वोल्टेज है, ये भी मेरा लाइन वोल्टेज है वी बी वाई. तो यहाँ पे जो मेरा फेज वोल्टेज बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वी आर वी वाई और वी बी. ओके, और यहाँ पे जो मेरा लाइन करंट बोलो या फेज करंट बोलो, यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट मेरा दोनों सेम होगा, आई आर इज्कवल टू आई एल इज्कवल टू आई पी एच. ठीक है, ये लाइन करंट और फेज करंट मेरा सेम होगा, यहाँ पे भी आई बी इज इक्वल टू आई एल इज्कवल टू आई फेज. ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो वैट मीटर मेरा पहला वैट मीटर क्या रीड करेगा, आई आर और वी आर वाई. ओके, कॉम्बिनेशन क्या होगा, आई आर और वी आर वाई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई आर एंड वी आर वाई. अगर हमको वैट मीटर पहला रीड करना है तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आई आर एंड वी आर वाई. ओके, एंड एंगल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो लोड के कारण हो रहा है, यहाँ पे लैगिंग लोड है तो करंट मेरा क्या होगा, लैग होगा. सो अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम. ओके, तो देखो वी आर मेरा किस तरह से था, इस तरीके से वी वाई यहाँ था और वी बी यहाँ था. नाउ
वैट मीटर पहला क्या रीड कर रहा था, दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी आर वाई, ठीक है। तो वी आर वाई क्या होता है, वी आर वाई दैट इज वी आर माइनस वी वाई, ओके। तो वी आर माइनस वी वाई है, तो हम वाई को क्या करेंगे, उल्टा प्लॉट करेंगे। माइनस वी वाई, ओके। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी आर वाई, ओके। और ये तो हो गया वोल्टेज। करंट क्या है, लाइन करंट क्या है, आई आर, ओके। लाइन करंट क्या है, आई आर। और ये कितना एंगल से लैग कर रहा है, पाई एंगल से। तो यहाँ पे हम करंट अगर बनाएंगे, आई आर ये फाई एंगल से लैग करेगा, ओके। तो देखो यहाँ पे हर फेस कितना डिग्री पे है, 120 डिग्री पे है। वी बी और वी वाई के बीच में कितना है, 120 डिग्री। वी बी और वी आर के बीच में कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे, वी आर और वी बी को हम क्या कर रहे हैं, वी वाई उल्टा प्लॉट कर रहे हैं, तो उल्टा प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, बीच से डिवाइड होगा। तो बीच से अगर डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट। इधर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ओके। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे वी वन डब्ल्यू वन क्या रीड करेगा, डब्ल्यू वन रीड करेगा वी आर वाई, ओके। वी आर वाई इंटू आई आर इंटू कॉस ऑफ, किन दोनों के बीच का एंगल, वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5। उसी तरीके से हम डब्ल्यू टू का भी कैलकुलेट करेंगे। तो डब्ल्यू टू का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये वी आर है, वी वाई, वी बी, ओके। तो देखो डब्ल्यू टू क्या रीड कर रहा है, डब्ल्यू टू क्या रीड कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू टू रीड कर रहा है मेरा, लाइन वोल्टेज क्या है, वी बी वाई, और लाइन करंट क्या है, आई बी। तो यहाँ पे डब्ल्यू टू क्या रीड करेगा, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी बी वाई एंड आई बी विथ एंगल बिटवीन देम, वी बी वाई एंड आई बी। सो वैट मीटर टू क्या रीड कर रहा है, कौन सा वोल्टेज, वी बी वाई। तो वी बी वाई को हम क्या लिखेंगे, वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी वाई, ओके। तो माइनस वी बी क्या है, वी बी माइनस वी वाई। तो वी वाई को हम किधर प्लॉट करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, माइनस वी वाई, ओके। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वी बी वाई, वी बी वाई, ओके। और यहाँ पे करंट क्या था, लैग कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे भी जो मेरा लाइन करंट है, दैट इज आई बी, ये क्या करेगा, लैग करेगा विथ एंगल क्या होगा, फाई। आई बी क्या कर रहा है, एंगल फाई से लैग कर रहा है। अब देखो ये एंगल कितना था, 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता, 120 डिग्री। तो उसका क्या हो गया, हाफ 60 डिग्री। अब फिर इसका हाफ हो गया तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री, राइट। तो एंगल बिटवीन वी बी वाई एंड आई बी क्या हो जाएगा, दैट इज 30 माइनस 5, ओके। तो यहाँ डब्ल्यू टू क्या रीड करेगा, डब्ल्यू टू विल रीड वी बी वाई इंटू आई बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 30 माइनस 5, ओके। सो ये दोनों वैट मीटर इतना रीड करेगा। तो हमें क्या मिला, सबसे पहले W1 इज
वी आर वाई इंटू आई आर इंटू कॉस 30 + 5 विच कैन बी रिटन एज वी आर वाई को हम क्या लिख सकते हैं वी एल आई आर को आई एल इंटू कॉस 30 + 5 एंड डब्ल्यू टू सिमिलरली डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा वी बी वाई इंटू आई बी इंटू कॉस 30 - 5 सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज डब्ल्यू एल इंटू आई एल इंटू कॉस 30 - 5 ओके तो टोटल पावर क्या होगा टोटल पावर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू सो टोटल पावर इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस ऑफ 30 + 5 प्लस कॉस ऑफ 30 - 5 नाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा आएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस 5 ओके वी एल आई एल कॉस 5 यहाँ पे वी एल क्या है रूट 3 वी फेज होता है राइट और आई एल क्या होगा आई फेज ओके यहाँ पे देखो कैसा है स्टार कनेक्टेड है राइट तो यहाँ पे वी एल क्या हो जाएगा वी एल इक्वल टू रूट 3 वी फेज हो जाएगा ओके वी एल क्या हो जाएगा रूट 3 वी फेज और आई एल क्या है दैट इज इक्वल टू आई फेज तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें फेज वोल्टेज के फॉर्म में तो डब्ल्यू क्या आएगा दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3 वी फेज ओके दिस रूट थ्री इंटू रूट 3 वी फेज तो ये क्या आएगा 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस 5 सो द टोटल पावर कैन बी रिटन एज 3 वी फेज आई फेज कॉस 5 और रूट 3 वी एल आई एल कॉस 5 नाउ नेक्स्ट वी विल सी मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर सो वैट मीटर वन रीड वी एल आई एल कॉस 30 + 5 एंड सेकेंड वैट मीटर रीड वी एल आई एल कॉस 30 - 5 एंड टोटल इज डब्ल्यू इज इक्वल टू रूट 3 वी एल आई एल कॉस 5 सो अगर डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू करेंगे देन वी विल गेट वी एल आई एल साइन 5 ओके अब हम अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करें तो दैट इज़ डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू विच कैन बी रिटन एज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू वी एल आई एल साइन 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 वी एल आई एल कॉस 5 दिस कैन बी रिटन एज ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या टैन 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 सो टैन 5 इज इक्वल टू रूट 3 डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू एंड 5 विल बी टैन इनवर्स ऑफ डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू रूट 3 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ओके
तो हमें फाई पता चल गया, सो वी कैन कैलकुलेट पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर विल बी कॉस फाई, और वी कैन राइट कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, मेजरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर. सो यहाँ पे हम इसको किस तरह से मेज़र करते हैं, देखो सपोज करो यहाँ पे मेरा एक करेंट कॉइल है, यहाँ पे बैलेंस लोड है, और यहाँ पे हम प्रेशर कॉइल अटैच किए हैं. देखो हम इस फेज़ में आर फेज़ में हम क्या किए हैं, करेंट कॉइल लगाए हैं, और प्रेशर कॉइल को जो है वो हम बी और वाई के बीच में लगाए हैं. ठीक, और ये मेरा लोड क्या है, जेड एंगल फाई, ये लैगिंग लोड है. और यहाँ पे जो हम वोल्टेज लेंगे दैट इज़ वी वाई बी, हम फेज सीक्वेंस ले रहे हैं आर वाई बी. ओके, आर वाई बी हम फेज सीक्वेंस ले रहे हैं. सो यहाँ इसका हम फेजर, और इसमें जो वैट मीटर तुम्हारा रीड करेगा, और इसमें जो तुम्हारा वैट मीटर रीड करेगा वो क्या रीड करेगा, दैट इज़ ए वोल्टेज वी वाई बी एंड आई आर एंड एंगल बिटवीन वी वाई बी एंड आई आर. तो इसका हम फेजर डायग्राम बना के देखते हैं. ओके, फेजर डायग्राम किसे में हम क्या निकालेंगे, वी वाई बी एंड आई आर. सो वी आर ये है वी वाई और वी बी, देन वी वाई बी क्या हो जाएगा, दैट इज़ वी वाई माइनस वी बी. ओके, सो वी वाई माइनस वी बी है, तो वी बी को हम क्या करेंगे, उल्टा डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, माइनस वी बी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, वी वाई बी. करेक्ट, यहाँ पे करेंट हमारा कैसा है, लैगिंग नेचर का है. तो कौन सा करंट हमें चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए हमको आई आर. ठीक है, तो आई आर क्या होगा, वी आर को लैग करेगा बाई एंगल फाई. ओके, और ये कितना है 90 डिग्री. हमें क्या चाहिए, वी वाई बी और आई आर, और इन दोनों के बीच का एंगल. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, वी वाई बी और आई आर के बीच का एंगल कितना है, दैट इज़ 90 माइनस फाइव. ओके, तो वैट मीटर क्या रीड करेगा, सो वैट मीटर विल रीड वी वाई बी इंटू आई आर इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव. ठीक है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, तो यहाँ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज वी एल आई एल इंटू कॉस 90 माइनस फाइव क्या होता है, दैट इज साइन फाइव. ओके, सो दिस इज यूज फॉर सिंगल फेस रिएक्टिव पावर. ठीक है, ये किसी एक ही फेज़ का हम लोग निकाले हैं. ठीक है, एक फेज़ में जिस फेज़ में निकालना है उसमें करंट कॉइल लगा दिए, और बाकी दो फेज़ के क्रॉस हम प्रेशर कॉइल लगा दिए. सो दिस विल गिव यू रिएक्टिव पावर मेजरमेंट. सो अगर हम इसको कंपेयर करें, देन क्यू फॉर थ्री फेज, तो थ्री फेज के लिए क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वॉट वॉट मीटर रीड्स. सो दिस विल बी क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ डब्ल्यू एल आई एल साइन फाइव.